जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसमें एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र का आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जिनको नहीं करते हुए मैं सबसे पहले टॉपिक पे आता हूँ कि समाजशास्त्र। आज का इस वीडियो में हम समाजशास्त्र का विकास, अर्थ और समाजशास्त्र की विशेषताएँ एवं समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्र के बारे में बात करें तो हम समाजशास्त्र का पहला टॉपिक, पहला बिंदु विकास, थोड़ी सी रूपरेखा बनाते हैं कि किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्र के विकास में। सबसे पहले मानव ने सबसे पहले अपने चारों ओर के भौतिक पर्यावरण के बारे में समझने का प्रयास किया। सबसे पहले मानव ने अपने चारों ओर के भौतिक पर्यावरण को समझने का प्रयास किया या उसका अध्ययन किया। उसके बाद में सबसे अंत में मानव ने स्वयं अपने समाज के बारे में सोचना प्रारंभ किया। जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसे कैसे आप लिखते जाओगे, यही मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मानव ने भौतिक पर्यावरण, अपने चारों ओर फैले हुए भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया, उनको जानने की कोशिश की। उसको जानने के बाद में अंत में मानव ने अपने स्वयं के समाज के बारे में सोचना प्रारंभ किया। यही कारण है कि पहले भौतिक विज्ञानों का उदय हुआ और बाद में सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ। सामाजिक विज्ञानों में भी समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र कैसा है, सामाजिक विज्ञानों में एक नवीन विज्ञान है। सबसे पहले कौन से विज्ञानों का उदय हुआ, भौतिक विज्ञानों का। उसके बाद में कौन से विज्ञानों का उदय हुआ, सामाजिक विज्ञानों का। और सामाजिक विज्ञानों में सबसे नवीन विज्ञान कौन सा है, समाजशास्त्र है। इसी में अगर बात में थोड़े आगे देखें तो एक विद्वान है, नाम है अरस्तु ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सबसे पहले अरस्तु ने क्या कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके बाद में एक और विद्वान है, नाम है बोटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की उत्पन्न होने वाली या समाजशास्त्र की उत्पत्ति की परिस्थितियों का वर्णन किया, तो सबसे पहले एक बार मानव ने सबसे पहले अपने चारों ओर फैले हुए भौतिक पर्यावरण या भौतिक भागों का या तत्वों का अध्ययन किया।
उसके बाद में उसने अपने स्वयं के समाज के बारे में सोचना प्रारंभ किया। यही कारण है कि पहले भौतिक विज्ञानों का उदय हुआ और बाद में सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ। सामाजिक विज्ञानों में भी समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बोटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की परिस्थितियों का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है। तो अगला है समाजशास्त्र की उत्पत्ति, आप हेडिंग लगाओगे अगला समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारण। सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति के कारणों में बात करेंगे तो पहला कारण है वो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। इस क्रांति के कारण भी लोगों को विशेषाधिकारों की समाप्ति की प्रेरणा मिली। इसके बाद में बात करें तो दूसरा जो इसका कारण है वो है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। और दोस्तों फ्रांस की क्रांति है यह हुई थी 1, 7, 8 और 9, ऐसे याद रखोगे तो कभी गलती से ये नहीं लगेगा कि 1800 आएगा या 1700 आएगा या 1600 आएगा। आपको याद रखना है 1, 7, 8, 9 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति की विषय को देन, एक प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति की विषय को देन है, एक प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, तो रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ऐसे कहता था नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने विश्व को क्या दिया, समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्वता, बंधुत्वता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, ये किसकी देन है, फ्रांस की क्रांति को विश्व को देन है। इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं, तीसरा कारण है विशेषाधिकारों की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई थी, अर्थात हम ये कह सकते हैं सामंतवाद की समाप्ति, सामंतवाद की समाप्ति या सामंतवाद का अंत भी लिख सकते हो आप, अर्थात विशेषाधिकारों की समाप्ति। इसके बाद में चौथा कारण है यह है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण व औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण व औद्योगिक क्रांति, यह भी एक कारण है। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पे पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, इटली, ऐसे प्रश्न आता है इटली से, जबकि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है इंग्लैंड से। ये भी मोस्ट प्रश्न है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कारणों के बाद में कि एक विद्वान है, नाम है डॉन मार्टिंडले, उनकी एक पुस्तक है जिनमें उन्होंने समाजशास्त्र और मानव के सामाजिकता के बारे में कुछ दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। विद्वान का नाम है डॉन मार्टिन डले, डॉन मार्टिन डले, डॉन मार्टिन डले ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ नेचर एंड टाइप
ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द नेचर एंड टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में लिखा है, इनकी पुस्तक है द नेचर एंड टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि मानव प्रकृति से दार्शनिक व स्वभाव से समाजशास्त्रीय समाजशास्त्री है, क्योंकि सामाजिक जीवन जीवन मानव का प्रमुख उद्देश्य है। तो मानव के बारे में डॉन मार्टिंडले ने अपनी पुस्तक द नेचर एंड टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में लिखा है कि मानव प्रकृति से दार्शनिक व स्वभाव से समाजशास्त्री है, क्योंकि सामाजिक जीवन मानव का प्रमुख उद्देश्य है या स्वाभाविक उद्देश्य है। प्रमुख की जगह आप ऐसे लिख सकते हो स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्देश्य है। जीवन जीवन मानव का स्वाभाविक उद्देश्य है, ये परिभाषा है किसकी, डॉन मार्टिंडले की, मानव के स्वभाव और समाज शास्त्री होने के क्रम में। इसके बाद में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में, समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय नहीं एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय, एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है अगस्त कामटे कामटे। तो अब बात करेंगे कामटे के बारे में। कामटे कॉम्ट कामटे ऐसे इनके नाम मिलेंगे आपको। अब सबसे पहले बात करें तो कामटे ने सेंट साइमन के साथ मिलकर के, सेंट साइमन के साथ मिलकर समाज के अध्ययन को सामाजिक भौतिकी नाम दिया, सामाजिक भौतिकी नाम दिया कामटे ने। सेंट साइमन कहा जाता है, सेंट साइमन अगस्त कामटे के गुरु है, और सेंट साइमन के साथ मिलकर के समाज के अध्ययन को सामाजिक भौतिकी नाम दिया। प्रश्न आया हुआ है कि समाज के अध्ययन को सामाजिक भौतिकी सबसे पहले किसने कहा, तो अगस्त कामटे ने। किसके साथ मिलकर, सेंट साइमन के साथ मिलकर के। इसके बाद में कामटे ने 1838 में समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र नाम दिया, समाज शास्त्र नाम दिया। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिखो, समाज के अध्ययन को समाज शास्त्र नाम दिया। तो समाज शास्त्र नाम सबसे पहले किसने दिया, समाज के अध्ययन को, कामटे ने। यही कारण है कि अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक विषय के रूप में विकास हो गया,
अगस्त काप्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब समाजशास्त्र के विकास क्रम में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, और विकास क्रम की इसी चर्चा में सबसे पहले बात करते हैं हम जनक या आगे बढ़ाने वाले, जनक या आगे बढ़ाने वाले। समाजशास्त्र के जनक कौन है या उसे आगे बढ़ाने वाले कौन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनक। अभी अपने समाजशास्त्र के जनक के बारे में पढ़ा था, समाजशास्त्र का जनक हमने क्या पढ़ा था, अगस्त काम्टे। कब? 1838 में। समाज के अध्ययन को इन्होंने क्या नाम दिया, समाज शास्त्र नाम दिया। इसके बाद में समाजशास्त्र के दादाजी या प्रथम शिक्षक नाम है इमाइल दुर्खिम। कौन है? समाजशास्त्र के दादाजी व प्रथम जो शिक्षक है दुर्खिम। इसके बाद में अमेरिका में समाजशास्त्र के जनक कौन है, इंग्लैंड में समाजशास्त्र के जनक कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है अमेरिका में समाज शास्त्र के जनक, अमेरिका में समाजशास्त्र के जनक नाम है लेस्टर बार्ड। इसके बाद में ब्रिटेन में समाजशास्त्र के जनक नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। इसके बाद में बात करें तो सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन USA यानी अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ 1876 में। सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, और प्रथम प्रोफेसर कौन थे, समनर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, समनर के नेतृत्व में 1876 में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ येल विश्वविद्यालय में। जबकि शिकागो विश्वविद्यालय में प्रथम स्वतंत्र विभाग की स्थापना हुई 1892 में प्रोफेसर स्मॉल की अध्यक्षता में। तो जो समाजशास्त्र का प्रथम विभाग है उसका अध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर स्मॉल। तो ये तो था समाजशास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत बातें। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन अमेरिका में प्रारंभ हुआ, अर्थात समाजशास्त्र को अमेरिकन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में थोड़ा आगे भारत में समाजशास्त्र का उद्भव। यहाँ दो बातें हैं, 1919 में औपचारिक
शुरुआत मानी जाती है, जबकि 19/9/1947 में उद्भव हुआ समाजशास्त्र का भारत में। अब इससे बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि 1919 या 1947 से पहले हमें कुछ सन याद रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे 1914, उसके बाद में 1917, 1919, 1921, 1923, 1938, 1914, 17, 19, 21, 23, 38। 1914 में सबसे पहले नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1914 में सबसे पहले नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। उसके बाद में बात करेंगे 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ 1917 में। 1917 के बाद में 1919 की बात करेंगे तो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1919 में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। और भारत में यह वह समय है जब प्रोफेसर पैट्रिक गेंडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। उसका अध्यक्ष सबसे पहले प्रोफेसर पैट्रिक गेंडिस बनता है 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में। इसके बाद में उसका अध्यक्ष बनाया जाता है प्रथम भारतीय जिसे समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है, जी एस घुरिया के बाद में उस विभाग का अध्यक्ष होता है एम कपाड़िया। तो सबसे पहले बात करेंगे मुंबई विश्वविद्यालय में विभाग की स्थापना, समाजशास्त्र विभाग की स्थापना। और अध्यक्षता किसकी थी? प्रोफेसर पैट्रिक गेंडिस, प्रोफेसर पैट्रिक गेंडिस की अध्यक्षता में। इसके बाद में इसका अगला अध्यक्ष बनाया गया जी एस घुरिया के बाद में इसका अध्यक्ष बनाया गया एम कपाड़िया। इसके बाद में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी को प्रथम भारतीय समाजशास्त्र का प्रोफेसर बनाया गया और प्रोफेसर के साथ साथ विभागाध्यक्ष भी बनाया गया, तो प्रथम भारतीय समाजशास्त्री किसे माना जाता है? राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। उसके बाद में 1923 मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर
बजेंद्र नाथ झा के नेतृत्व में समाजशास्त्र शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसके बाद में अगली जो है लास्ट वो है 1938 में पुणे विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर इरावर्ती किर्वे के नेतृत्व में अलग विभाग बनाया गया। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले समाजशास्त्र का उद्भव भारत में कब माना जाता है? उद्भव की बात माने तो 19/9/1947 को माना जाता है। वैसे औपचारिक शुरुआत 1919 में हो गई। 1947 से पहले, सबसे पहले 1914 में नागरिक शास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र का विकास हुआ। 1919 में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है जब पैट्रिक गेंडिस की अध्यक्षता में मुंबई विश्वविद्यालय में अलग विभाग समाजशास्त्र के स्वतंत्र विभाग की स्थापना हुई, जिसका बाद में जीएस घुरिया व एम कपाड़िया उसके अध्यक्ष बने, विभागा अध्यक्ष बने। 1921 में राधा कमल मुखर्जी भारत के प्रथम समाजशास्त्री या समाजशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए या विभागाध्यक्ष बनाए गए लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी में बजेंद्र नाथ झा ने समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत की। और उसके बाद में है पुणे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर इरावर्ती क्रिये के नेतृत्व में अलग विभाग की स्थापना हुई। तो ये विकास है समाजशास्त्र का। इसके अलावा समाजशास्त्र के जो उद्विकास है इसको हम इस टॉपिक के लास्ट में उद्विकास की कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में। विकास के बारे में आती है अर्थ। अर्थ में सबसे पहले अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र वैसे समाज और शास्त्र शब्दों से बना है, इसका मतलब है समाज का शास्त्र या समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। वैसे इंग्लिश शब्द की बात करें तो ये अंग्रेजी के सोशियोलॉजी, अंग्रेजी का कौन सा शब्द है SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी शब्द है। और जो इस अंग्रेजी का जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक शब्द है उसका नाम तो है सोशल, SOCIUS, सोशियस। और एक का मतलब है लोगस, LOGUS, लोगस, LOGUS, लोगस। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान, शास्त्र या विज्ञान। यहाँ पे जो सोशियस शब्द है यह लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समाज। और लोगस है यह ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाज, सोशियोलॉजी का अर्थ है समाज का शास्त्र, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। इसी क्रम में थोड़े से आगे बढ़ते हुए बात करें तो एक विद्वान है बीरकांत या सॉरी बीर स्ट्रीट। और बीर स्ट्रीट ने कहा है कि सोशियोलॉजी दो
भाषाओं का अभेद रूप है। बीर स्टेट क्या कहता है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र दो भाषाओं का अभेद रूप, अभेद रूप ये बात कहता है बीर स्टेट। जबकि जे एस मील ने जॉन स्टुअर्ट मील कहता है समाजशास्त्र दो भाषाओं की, समाजशास्त्र दो भाषाओं की अभेद संतान है, अभेद संतान है। इसीलिए इसका अर्थ समाजशास्त्र नहीं हो करके इथोलॉजी होना चाहिए, या उन्होंने इसे इसी कारण उन्होंने इथोलॉजी नाम दिया। तो समाजशास्त्र को इथोलॉजी नाम देने वाला कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल, दो भाषाओं की अवैध संतान कहकर के नाम दिया है कि समाजशास्त्र नहीं इथोलॉजी नाम रखना उचित है। इसके बाद में समाजशास्त्र के इसी को देखते हुए थोड़े आगे बढ़ते हैं, प्रथम पुस्तक, समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक के बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रथम पुस्तक, जो समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है, नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है, समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने ये पुस्तक 1877 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सावयवी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सावयवी सिद्धांत में समाज की तुलना मानव शरीर से की। प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है, हर्बर्ट स्पेंसर 1877 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अपने सावयवी, हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में अपने सावयवी सिद्धांत में समाज की तुलना मानव शरीर से की। तो सावयवी सिद्धांत किन का है, हर्बर्ट स्पेंसर का। इसके बाद में इस समाजशास्त्र विषय को, समाजशास्त्र विषय को एक स्वतंत्र विषय का रूप देने का प्रयास, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय का रूप या विषय के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दुर्खिम को, किसे जाता है, दुर्खिम को। और समाजशास्त्र है क्या, समाज का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन करने वाला शास्त्र है, समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन करने वाला शास्त्र है। ये तो समाजशास्त्र का अर्थ। अब आते हैं हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं में, परिभाषाएं याद करना है, इसके लिए हमें परिभाषाओं को हम चार भागों में बांटेंगे, कितने भागों में, चार भागों में। जैसे कुछ विद्वान हैं, उनकी परिभाषाओं में आएगा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, कुछ कहता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि कुछ कहते हैं
सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो कुछ कहते हैं सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं। इससे हमें ये फायदा है कि अगर अंतक्रियाओं वाले हमें याद है तो उस पेपर में जो परिभाषा आएगी अंतक्रियाओं वाले कौन कौन से हैं, समूह वाले कौन कौन से हैं, उनके बारे में। नंबर एक है यहाँ पे समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन, समाज का अध्ययन। नंबर दो सामाजिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। नंबर अगर चार की बात करें, तीन समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का, अंतक्रियाओं का अध्ययन करता है, और नंबर चार है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता, सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। इनमें से सबसे पहले बात करेंगे, कुछ विद्वान हैं जो क्या कहते हैं कि सामाजिक समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन विद्वानों में आप ऐसे याद करना कि समाज का अध्ययन करते हैं, समाज कहाँ रहता है, घरों में, घर से वार्डों में, वार्ड सभा होती है ना, ऐसे वार्ड सभाओं में, तो ऐसे याद रखोगे वार्ड। विद्वान है कौन कौन से हैं, वार्ड है, वार्डों से वार्ड ओ से ओडम है। क्या करते हैं वार्डों में जाकर के, हम गिनती करते हैं समाज के लोगों की, तो प्रोफेसर गिंडिस है, गिंडिस। उसके बाद में कैसे करते हैं गिनती, समान समनर, ये याद रखने का तरीका मात्र है। बार्ड बार्डों में, तो बार्ड से बार्ड, ओ से ओडम, गिनती करने से गिंडिस, समान से समनर। उसके बाद में है डंक इंक्लेस, इंक्लेस या इंकल्स, भारतीय सोशियोलॉजी एलेक्स इंकल्स, इंकल्स। इंकल्स के बाद में है डंकन, डंकन। बार्ड ओडम गिंडर समनर इंकल्स और डंकन, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समाज का अध्ययन करता है। क्या कहते हैं, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इसके अलावा अगर बात करें सामाजिक संबंधों का अध्ययन की, तो यहाँ पे सामाजिक संबंधों की बात हो रही है, तो सबसे पहले वो जाएगा मेकाइबर व पेज। कौन सा है, मेकाइबर व पेज। आप ऐसे याद रखना, चाहे राजनीति विज्ञान हो या साइको हो, मेकाइबर और पेज ये दोनों के बीच कोई एक अजीब संबंध है, ये दोनों साथ साथ ही आते हैं, मेकाइबर और पेज। इनकी पुस्तक है सोसाइटी, मेकाइबर और पेज, तो इन संबंधों से याद रखना इनके बीच में संबंध है। उसके बाद में वैसे अलग अलग नाम तो नहीं है आगे, पर वैसे याद करने का तरीका बता दूंगा, मैक्स बेबर, तो यहाँ भी आप याद रखना मैक्स बेबर। तो देखो मैक्स और बेबर दो नाम है ऐसे अलग अलग, मेकाइबर और पेज अलग अलग नाम, ऐसे करके संबंध वैसे नाम एक ही है, मैक्स बेबर, याद करने का तरीका। उसके बाद में बान बीज के बाद में आता है क्यूबर, मेकाइबर व पेज, मैक्स बेबर, बान बीज, क्यूबर। अब है सामाजिक अंतक्रियाओं वाले लेखक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे याद रखोगे आप जॉर्ज सीमेल के बाद में
अगला जो आएगा इसमें वो है होम हाउस, होम हाउस। उसके बाद में है ग्लीन व ग्लीन, ग्लीन व ग्लीन। जॉर्ज सीमेल होम हाउस ग्लीन व ग्लीन और गिन्स वर्ग, गिन्स वर्ग ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ एक एक नाम है, केवल समाज का अध्ययन है, एक एक नाम है, नाम देख लो। बार्ड, ओडम, गिंडिस, समनर, इंकल्स, डंकन। यहाँ पे मेकाइवर व पेज, मैक्स, बेबर, बान, बीज, क्यू, बर। यहाँ पे एक जैसे नाम नहीं थे, यहाँ एक जैसे। यहाँ पे जॉर्ज सीमेल तो याद रखोगे, उसके बाद देखो हाब हाउस, ग्लीन ग्लीन, गिन्स बर्ग, गे गे, ऐसे करके कुछ भी आप ऐसे याद रख लेना, दो चार बार ऐसे दिमाग में लगाओगे थोड़ा सा तरीका, तो ये याद हो जाएंगे। बाद में तरीका भूल जाएंगे, ये चीज़ें याद रह जाएगी। परिभाषाओं से प्रश्न आता है, इनको आपको याद करना ही होगा। यहाँ पे बात करते हैं सामाजिक समूह बताने वाले, तो जॉनसन है, कौन है, जॉनसन। जॉनसन के बाद में नोब्स, नोब्स के बाद में फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बाद में यंग। कैसे याद करोगे कि ये यंग क्रिकेटर है, जो क्रिकेट क्रिकेटर क्रिकेटर एक समूह है, तो जॉनसन, नोब्स, फ्लेमिंग, यंग, ये क्या है, क्रिकेटरों के नाम है, ऐसे आप याद कर सकते हो। या आप ऐसे जॉनसन, नोब्स, फ्लेमिंग, यंग, ये कंपनियां, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। कैसे भी याद करो, आपको याद होना चाहिए जॉनसन, नोम्स, फ्लेमिंग, यंग, इनकी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को अगर आपको ऐसे पता है कि क्यूबर क्या कहेगा, सामाजिक संबंधों का संबंध आएगा इसकी बातों में, विज्ञान है, अध्ययन है, ऐसे। यहाँ पे जॉर्ज सीमेल क्या कहेगा, अंतक्रिया। जॉर्ज सीमेल की परिभाषा में क्या आएगी, अंतक्रिया आएगी ही आएगी। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को थोड़े से, एक एक परिभाषा हम यहाँ लिखेंगे और फिर उसे मिटा के दूसरी परिभाषा लिखेंगे। टाइम थोड़ा सा लगेगा, परंतु ये सारा का सारा याद करना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बार्ड, बार्ड के अनुसार आप कैसे लिखोगे, बार्ड के अनुसार, अनुसार इन्वर्टेड कोमा में लिखना प्रारंभ करेंगे हम, वार्ड के अनुसार। वार्ड क्या कहता है, देखो वैसे बार्ड और वैसे विज्ञान, समाज शास्त्र, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, बाद में याद रहे, समाज का विज्ञान है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है, बार्ड की है। इसके बाद में अगली परिभाषा, यहाँ बार्ड से विज्ञान याद रखोगे, समाज के बारे में बताएंगे। अगली परिभाषा है ओडम के अनुसार, ओडम के अनुसार समाज शास्त्र, समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, इन्वर्टेड कोमा बंद। ओडम के अनुसार समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ऐसे, ओडम और ऐसे अध्ययन, बार से बार्ड और वैसे विज्ञान, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में है जी गिंडिस के अनुसार, किसके अनुसार है, गिंडिस, गिंडिस के अनुसार समाज शास्त्र
समग्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, अर्थात समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। तीनों परिभाषाएं समाज के अध्ययन करने वाले में महत्वपूर्ण तीन परिभाषाएं। बार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। गिंडिस, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, अर्थात समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। गेंडिस मतलब बॉल बनानी, हमें पहले कपड़े की गेंद बनाते थे ऐसे करके याद रख लेना, उसको क्रमबद्ध एक कपड़ा लेते उसको चारों ओर लपेटते व्यवस्थित रूप से, तो ऐसे ही याद रखना आपको समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्या है, गेंडिस कहता है क्रमबद्ध वह कौन सा व्यवस्थित अध्ययन है। इसके बाद में अगली जो परिभाषाएँ हैं उनमें से अगर बात करें दूसरे नंबर पे सामाजिक संबंधों का अध्ययन, इसमें सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मेकाइवर और पेज। किसके अनुसार? मेकाइवर व पेज के अनुसार। मेकाइवर और पेज की एक पुस्तक है इनकी, उसका नाम है सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने मेकाइवर और पेज के अनुसार, तो ये क्या कहेंगे, सामाजिक संबंध है ना, तो ये कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समाजशास्त्र इन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है? मेकाइवर व पेज की। अगली परिभाषा इसी कड़ी में, तो ये क्या कह रहे हैं, सामाजिक संबंधों का जाल समाज है, समाज शास्त्र नहीं है, और इन जो जाल वाले सामाजिक संबंध है उनका अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र। ऐसी परिभाषा मेकाइवर और पेज की। तो मेकाइवर पेज खुद ही जाल है, हमेशा साथ साथ आते हैं, ऐसे याद रखोगे। इसके बाद में है मैक्स बेबर। अगला कौन सा है? मैक्स बेबर। मैक्स बेबर के अनुसार आप यहाँ पे ऐसे याद रखोगे, मैक्स बेबर ने क्या कहा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप ऐसे याद रखोगे कि आप मिक्सी चलाते हो तो जूस बनाने के लिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही अच्छे आपके संबंध है पर जूस बनाने के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों व कृत्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंध व कर्तव्यों का, तो मिक्सी में आपको काम तो करना ही पड़ेगा, संबंध चाहे कितने अच्छे हो, ऐसे याद करोगे। मैक्स बेबर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों व कर्तव्यों का अध्ययन करता है, ये परिभाषा है किसकी, मैक्स बेबर की। उसके बाद में इसी क्रम में हमने एक परिभाषा ये पढ़ ली, अब पढ़ेंगे क्यूबर। क्यूबर के अनुसार, क्यूबर याद रखो, क्यों मतलब क्या कारण है, और कारण हमेशा विज्ञान में, तो आप याद रखो क्यूबर कहता है, मतलब कारण से याद रखोगे, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। तो मैंने पहले बताया क्यूबर क्यों यानी कारण पूछेगा,
अर्थात कारण किस में बताए जाते हैं, कारण तथ्य परिणाम विज्ञान। तो क्यूबर क्या कहता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। इसके बाद में अगली कड़ी में परिभाषाओं में जो सामाजिक अंतःक्रिया बताते हैं, समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया बताते हैं, उनमें से सबसे पहले जॉर्ज सीमेल, कौन सा आएगा, अब आएगा जॉर्ज सीमेल। तो याद रखोगे सीमेल के अनुसार, जॉर्ज सीमेल के अनुसार इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे यहाँ पे भी, क्या कहेगा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का। तो समाजशास्त्र क्या कहेगा, समाज शास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप। सीमेल देखो सामाजिक अंतःक्रिया तो आएगी आएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का क्या है, स्वरूपों का, सीमेल स्वरूप याद रख लेना। इसके बाद में अगला है यहाँ पे सीमेल हो गया, होब हाउस,